स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित और बैन करने के बयान को लेकर राजनीति अभी तक थम नहीं रही। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद भाजपा नेताओं में भी आक्रोश देखने को मिला है। जहां तक बात करें मऊ जनपद के वरिष्ठ भाजपा नेता विमलेश सिंह जोटी की, तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को खत्म बताया है। उनके द्वारा दिए गए विवादित बयान को सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को चर्चा में बने रहने और अपनी राजनीति को खत्म होने से बचाना बताया। भाजपा नेता विमलेश सिंह जोटी ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति खत्म हो चुकी है, उनको अब कोई पूछ नहीं रहा है, सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए, अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। वह राजनीति के चक्कर में भूल चुके हैं कि समाज सेवा कैसे करते हैं। राजनीतिक व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति होता है और समाज में रहने वाले व्यक्ति राम से जुड़े हैं, राम ही उनके सबके इष्ट हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य प्रभु श्री राम के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। यही कहना चाहूँगा, वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। राजनीति में उन्होंने इतना समय दिया है, राजनीति की परिभाषा ही वो नहीं समझ पाए कि राजनीति सेवा के लिए है और सेवा किस प्रकार से होती है। सेवा तो समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए करेंगे तब तो आप राजनेता कहलाएंगे, और समाज में रहने वाला हर व्यक्ति राम से जुड़ा है, राम उसके इष्ट हैं और वो राम के ऊपर जो है इस प्रकार का कटाच कर रहे हैं, इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि वो किस मानसिकता के साथ राजनीति करते हैं। राजनीति वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के स्वार्थ के लिए करते हैं। ये वक्तव्य उन्होंने इसलिए दिया कि वो प्रदेश में चर्चा में आ जाए कहीं, क्योंकि उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है सिर्फ इसी तरह के राजनीति के कारणों से। तो क्या क्या हिंदू विरोधी हैं वो? वो हिंदू विरोधी नहीं है, वो किसी प्रकार के विरोधी नहीं, उनका स्वयं का सिर्फ एक एजेंडा चल रहा है कि वो स्वयं को किस तरीके से राजनीति के पटल पे ले आ सके, क्योंकि वो एकदम से खत्म हो चुके हैं। उनका एजेंडा 1% किसी भी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे वो पिछड़े समाज का हो, चाहे वो अगले समाज का हो, या वो किसी पंथ या किसी मजहब से जुड़ा हो, उनका जो है किसी से कोई सारोकार नहीं है। उनका सारोकार सिर्फ और सिर्फ स्वयं से है, ताकि उनकी जो है झोली भरती रहे, उनकी व्यवस्था चलती रहे, इसके अलावा और कोई भी उद्देश्य उनका नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दूसरों को आहत करके सिर्फ और सिर्फ चर्चा में आने का है, इसके अलावा और कुछ।